जलेबियां चाहिए, ये नहीं चाहिए। ए जलेबियां की है दे यार, कितने यार, ओ जलेबियां दे यार, ओए ओ कितवा आ रही है। बिस्मिल्लाह करो जी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम हैं फोर्ट अब्बास में। सुबह सुबह जैन भाई को बहुत सारी शरारतें जो है सूझ रही हैं। असल में हम जो है ना, हमारे तो बच्चे हैं ना, तो हम उनके साथ मतलब मस्ती कर लेते हैं, तो इनके अंदर जो मस्ती है ना वो फिर वरी रहती है। ये फिर जब टूर पे आते हैं फिर हमारे साथ करते हैं। अच्छा, खैर हम दुआई कर सकते हैं, हम दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इनको भी ये सहूलत दे, खुश होने की। ये बेचारे ने अल्लाह ताला जल्द दिया, पीछे यूपीएस सड़ गया, बल्ब नहीं आन दा पिया है, बच्चे नेरे च ने, ठीक है, उन्होंने रोटी खादी है नहीं खादी, बच्चे ने बुखार हो गया है, और नक के लग गया, जुकाम लग गया। हाँ, कोई मसला नहीं है। देखो जिंदगी दे विच गोल ना फिकर होनी बहुत जरूरी है यार, ते एक टाइम तो बाद होनी जरूरी है। क्यों हले करिया ही हले अजान पछी तो चसई है, जिस तरह को दिल करता उड़ान भरते हम। 35-36 साल की एज में जैन भाई ने जैसे कि क्लियर कर दिया शादी का प्रोग्राम है, तो चलें दुआ करते हैं इंशाल्लाह। ये चाहते ने कि जेड़ा खुश खुश फिरदा ने कल्ले विच उड़ी जांदा है, हवावां च हवावां नाल गल्लां करदा जांदा है, ए लेकिन हमारी ये दुआ है जल्द से जल्द ये हमारे साथ रल जाए, मतलब शादी हो जाए। नहीं जिदना रल लेना उदना ही तुहानू नहीं जानना, तुसी सानू नहीं जानना, तुसी अपने राय है, अहीं अपने राय। देख ले जी ये ऑन रिकॉर्ड रहेगी बात इंशाल्लाह। दो तीन साल बाद मैं देखना एक शख्स बड़ा परेशान बैठा, मैं हमने जाके पूछना है कि आप अपना दुकान से शेयर कर सकते हैं। बच्चू पे जब नजर पड़ती है ना तो दिल खुश होता है। अभी बात करते हैं, दिल खुश होता है। वंस अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि जब तक आप नहीं, जब तक आप पार्टी नहीं ना खिलाएंगे तब तक आपको मुबारक है। नहीं है अभी जो सफर था ना ज्यादा, वो बर्थडे बॉय भी है आज का, और फिर पार्टी। आज जैन भाई का आज बर्थडे है, देखते हैं क्या हमें मतलब बर्थडे के आप पार्टी रखे, हम गिफ्ट लेके आएंगे। आज मैं रही फोटो रेगिस्तान से पार्टी नहीं आगे चलते। तो अभी ये जलेबी जो है ना बना के, हां जी नहीं मदसर जलेबियां दे के भगता लिया, ठीक है ठीक। हैप्पी बर्थडे टू यू, कटिया नहीं कुछ भी, सुबह दे फजर दे उठे दे एक वारी नहीं आने आख्या कि माशाल्लाह सर हानू नहीं पता अहीं ये गल कीते तू छड़ी है। मेरे सब्सक्राइबर जिंदाबाद जिन्होंने मैंने विश कीता है, इन्होंने एक वारी विश नहीं कीता। अहीं भी यार तुहाडे कोई एक्सपेक्ट नहीं, मैं काम कर खड़ा कर सर चाहिए हूं तुहानू वेडिंग एनिवर्सरी विश करना चाहने हां अहीं अहीं जाने अहीं जाने हैप्पी बर्थडे टू फौरन बाद कहिए हैप्पी मैरिज डे। अभी हम आगे निकलने वाले हैं, बला कदम का छोड़ा 10 मिनट में बन गया इंशाल्लाह, मजा आएगा। अगला सफर बड़ा मजे का होने वाला है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फोर्ट अब्बास से अगला सफर हमारा शुरू हो चुका है, तकरीबन 10 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं। उठे तो हम बिल्कुल फजर के टाइम से, नमाज अदा की, उसके बाद वीडियो एडिट की और अभी हमने नाश्ता करना है। रोड बहुत अच्छे हैं ले जी, फोर्ट अब्बास का नाम बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, बहुत सारी बसें जो होती हैं उनके पीछे हमने पढ़ा हुआ है फोर्ट अब्बास फोर्ट अब्बास, और अब हम फोर्ट अब्बास जो है वो देख रहे हैं। पेट्रोल जो है वो डलवाना है हमने, सुई जो है वो बता रही है कि आधी टंकी है हमारी। मैं रुक जाना, रुक गया मैं, क्यों मैं वापस आ जाना, मैं तेज तो नहीं ना कि मैं जरा कुछ 6 किलोमीटर गांव आ गया। चलो
रायगान आगे दापे तो आखदा मैं क्या ले जी शहर जो है ना फोर्ट अब्बास वहाँ से हम निकल आए हैं बाहर। और जनाब शहर के अंदर भी माशाल्लाह खुला रोड था और बाहर तो आप देख ही सकते हैं, तो रोड खुला हो ना तो फिर राइड का बहुत मज़ा आता है। बहावलपुर जो है वो 135 किलोमीटर है, लेकिन हमने बहावलपुर नहीं जाना आज, आज हमने किसी और जगह पे जाना है। तो अभी जो है ना, अभी ये जो हमने ब्लूटूथ नए वाले लिए थे ना, ये बहुत अच्छे हैं और इनकी जो आपस की रेंज है ना वो भी ज़्यादा है। और यहाँ पे ना इंटू वाला बड़ा बिजनेस है, देखें बहुत ज़्यादा भट्ठे हैं। तो आगे लग ऐसा रहा है कि मे बी जो रेत वाला एरिया है ना वो शुरू हो जाए। खैर अभी तक तो जो ज़मीन है ना वो ज़रखेज़ है, माशाल्लाह गंदम बड़ी प्यारी है। यहाँ पे सरसों, सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, यहाँ पे ना काफ़ी एकड़ों पे लोगों ने सरसों काश्त की हुई है। पूरे मुल्क में तेल जो सप्लाई होता है सरसों का, फिर ज़ाहर है प्लास्टिक की बंदूक है की जैन जैन लॉक नहीं लाया था, फिट नहीं किया था, फिट नहीं किया। जैन भाई जो है उनका ये बॉक्स गिर गया, और नहीं मुझे लगता है कि जल्दी में शायद लॉक लगाना भूल गए, और इससे ये कह सकते हैं इनको अभी आदत नहीं है ज़्यादा ज़िम्मेदारी की। तो ये लॉक लगाया था आपने, ले मेरे देखते देखते गिरा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेव गिरा। ये कैप भी आपकी इधर, चलें शुक्र है बच गया। अभी हम खाने के लिए रुके हैं, यानी कि नाश्ते के लिए। एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, ढाबा, धूप में बैठ के खाएंगे, माशाल्लाह मज़ा आएगा इंशाल्लाह। सब्ज़ी, दाल, चने। यहाँ पे एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पे ना जो भी सालन होता है उसमें घी बहुत ऐड किया जाता है, तो वो देखें भाई बशर ने उधर घी जो है वो निकाल दिया जो अजाफी था। मज़ेदार खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह प्याली में चाय आई है, सुभान अल्लाह, गर्म चाय की प्याली हो और माशाल्लाह हम हों। बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब प्याली में चाय काफ़ी देर बाद पी रही। कल हमने ना टंकी फुल करवाई थी, तो अभी फोर्ट अब्बास से तकरीबन 10-15 किलोमीटर हम आगे आए हैं, तो अभी टंकी फुल करवाएंगे ना, तो अभी अंदाज़ा सही होगा कि किसकी बाइक ने कितना पेट्रोल जो है वो खाया। 1700 का डल गया, 1700 रुपये का डला जी, अब देखते हैं हमारा कितना डलता है। छब्बीस सौ का हो गया, ठीक लेकिन जी 2600 का पेट्रोल डला है हमारी बाइक में। हाँ जी, कितना थोड़ा 1700 का, 1700 का डलिया ही, कितना डलिया होगा 2600 का, बड़ा फ़र्क है, एवरेज इसकी अच्छी है। इसमें 2600 का डला है और आपका 1700 का, सही है, क्लियर हो गया ना? हाँ आप क्लियर हो गए, उसकी एवरेज ज़्यादा अच्छी है। अभी हम मंडी यजमान की तरफ जा रहे हैं, और एक दफ़ा पहले भी हम आए हुए हैं मंडी यजमान, एक रात वहाँ पे हमने गुजारी थी, मैं था, मुबशर भाई थे और मुकल्लफ भाई थे हमारे साथ। तो इस एरिए से हम थोड़े बहुत वाकफ हैं, एक दफ़ा यहाँ से होके गए हुए हैं। खैर अभी जिस रोड पर हम हैं ना, ये माशाल्लाह प्यारा रोड है, खेतों के बीचों बीच कोई भी रोड हो ना उस पर मज़ा ही आता है सफ़र का, और जब माशाल्लाह सर सब्ज़ो हर तरफ तो फिर क्या ही बात है। सरसों की एक चीज़ मैंने देखी है, हमारी तरफ भी सरसों होता है, लेकिन यहाँ पे जो सरसों है ना उसकी ऊंचाई बहुत है, वो तकरीबन कह सकते हैं आप 5-6 फुट तक ऊँचा कद बहुत है जो है सरसों का। अभी जी एक छोटी सी प्यारी सी मस्जिद हमें मिली है, तो हम रुके हैं नमाज के लिए माशाल्लाह। तो जैसे ही आप नमाज़ पढ़ लेते हैं ना, तो एक दिल में सुकून जो है ना वो महसूस होना शुरू हो जाता है, और जब आप पाबंदी करने लग जाते हैं नमाज़ की, फिर अगर कोई मिस हो जाए ना, तो फिर ऐसा होता है कि जैसे कोई चीज़ जो है वो खो गई है। तो इसलिए अब हम कोशिश करते हैं जैसे ही अज़ान हुई, सफ़र में जो भी करीब मस्जिद मिलती है ना, या कोई पंप मिल जाए जिसके ऊपर मस्जिद हो, तो वहाँ पे सबसे पहले नमाज, बाकी सफ़र जो है वो बाद में। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जोहर की नमाज के बाद हम आगे की तरफ जा रहे हैं। हमारी तरफ ना अभी गंदम छोटी है, और इस साइड पे गंदम जो है वो निसर्गी हुई है, मतलब
उसने जो सिट्टा होता है ना वो बना लिया हुआ है, काफ़ी बड़ी होगी हुई है। तो यहाँ पे इस साइड पे गंदम जो है वो जल्दी पकती है हमारी तरफ से, एक महीने का मेरे ख्याल में या डेढ़ महीने का फ़र्क होता। तो यहाँ पे चूँकि मौसम उतना ठंडा नहीं होता तो गंदम पहले काश्त होती है तो पहले पकती है, हमारी तरफ थोड़ी लेट काश्त होती है और अभी हमारी तरफ तो छोटी है गंदम। खैर इधर अभी जैसे हम सफ़र कर रहे हैं तो भी महसूस हो रहा है कि इधर अभी सर्दी वाला को उतना सीन दिन में तो कम अज़ कम नहीं है। अल्लाह इस साइड पे धूप बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए सोलर का मतलब बहुत यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सामने प्लेट्स आपको नज़र आ रही होंगी बहुत ज़्यादा, वो देखें जब हम पीछे थे ना सरसों बहुत है यार, देखें ये 10 एकड़ होगी, 10 से भी ज़्यादा होगी। पीछे जो है ना वो ये था कि रोड उतना खुला नहीं था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह रोड फिर खुला आ गया और ये रेगिस्तान का एरिया भी शुरू हो रहा है। ये इस साइड पे ना मेरी राइट साइड पे आप देखें तो इसमें कुछ वीरान आपको नज़र आएगी ज़मीन। खैर मैप पे हमने देखा था तो ये रोड जो है वो बीचों बीच ही है, इस तरह की जो ज़मीन है वो यहाँ पे बहुत आपको देखने को मिलेगी। इस ये राइट साइड पे अब आप देखें कितनी ज़्यादा ज़मीन है, वो देख वाह, ये सरसों के उस तरफ। और ये आहिस्ता आहिस्ता लोग ज़मीन आबाद करते जाते हैं और फिर काफ़ी वैसे मेहनत लगती है इसको आबाद करने में, इसको बैलेंस करने में, फिर इसको ज़रखेज़ करने में, तो खैर मेहनत तलब काम है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़मीन जो है वो आबाद हो रही है इस साइड पर, यहाँ पे अभी कोई भी फसल जो है वो काश्त नहीं है। ये देखें ये मट्टी उठा ली जाएगी ना, जो बड़े बड़े टीले हैं ना रेत के मट्टी के, ये उठाए जाएँगे, बैलेंस किया जाएगा, काफ़ी बड़ी तादाद में ज़मीन यहाँ पर बैलेंस की जा रही है। ये देखें ज़ाहिर है जब रोड बन गया है तो एक्सेस इजी है गाड़ियों की, तो फिर ये देखें अब ये कितने ज़बरदस्त प्लाट जो हैं वो आबाद कर लिए गए हैं। आइंदा साल इसमें हो सकता है कि वो काश्त कर दी जाए गंदम या मतलब रोइयां, इसको बोलते हैं रोइयां, रोइयां रोइयां कच्चे घर। ये वाला घर देखें कितना ज़बरदस्त, ये सामने जो घर है माशाल्लाह जी कच्चे घर हैं भरपूर, पूरा गांव ही कच्चे घरों का। वाओ अभी ना हम एक कच्ची बस्ती में आए हैं तो यहाँ पे तकरीबन सारे घर जो हैं वो कच्चे हैं। ये देखिए माशाल्लाह लाइट वैसे यहाँ पे है और ये सहन माशाल्लाह कितना प्यारा खूबसूरत है माशाल्लाह, कितना प्यारा खूबसूरत है ये कमरा। सिर्फ मस्जिद जो है वो पक्की है, बाकी घर जो है वो सारे कच्चे हैं। ये देखें माशाल्लाह अभी हम हैं रूम के अंदर, देखें वो अलमारी है कितनी ही ज़बरदस्त, यहाँ पे टेलीविज़न है और छत देखें ये है, यहाँ पे जनाब आग जला सकते हैं, हुक्का है, चारपाइयाँ कितनी ज़बरदस्त हैं माशाल्लाह, जाए नमाज है, पंखे भी लगे हुए हैं और ये है हुक्का माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त सेटअप है। ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, ये सड़क से हम गुजर रहे हैं ना तो बड़े खूबसूरत लगते हैं ये वाले घर, चमक रहे होते हैं धूप में। ये कौन सा गाँव था मुबशर भाई, काले पहाड़, काले पहाड़ ये जो गांव था ना अभी जिसमें हम थे ये था काले पहाड़, अब हम जाएंगे जानू वाली, जानू वाली बड़ा खुला एरिया, बहुत खुला एरिया है, आबादी ना होने के बराबर, बहुत ज़्यादा रकबा है, भूख लग गई थी है ना। ओए होए माशाल्लाह ये कितनी खूबसूरत है, मिट्टी के बने हुए हैं शायद लें जी, अब हम फिर वापसी जाएंगे। अभी ये जिस एरिया में अब हम जा रहे हैं ये देखें इधर भी ये झाड़ियाँ छोटी छोटी, इधर भी वरान है टोटल और रकबा भी मतलब इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत, कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये है कि रोड बना हुआ है, यहाँ आगे गांव भी है एक दो, तो उस गांव में हमने जाना है।
ये टैंकियाँ मेरे ख्याल नहीं, ये कोई निशानदाही की। हाँ जी लें जी, अभी पीछे से दो सवारियाँ जो हैं वो पिक की हैं भाई लोगों ने, तो माशाल्लाह ये ज़मीन जो है ना ये अब आबाद होने वाली है, और इसमें ये होता है कि फिर बड़ी मेहनत के बाद ये आबाद होती है, ये खेत बनते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें पत्थर भी होते हैं, इसमें झाड़ियाँ हैं, ऊँचे नीचे टीले भी हैं। जैन भाई ने अपनी गाड़ी जो है वो करवा ली है वाश, उनकी बाइक्स देख के हमारा भी दिल कर पड़ा, और ये लाहौर से पीछे पीछे ही गंदी हुई थी, आगे तो ना बारिश थी ना मतलब रोड अच्छे थे, तो हमने अपनी जो बाइक है उसका नाम रखा हुआ है पैंथर, ये देखें पीछे लिखवाया भी हुआ है, और इस साइड पे भी। अभी बाइक जो है वो धुलाई कराई है, तो भाई कह रही है इसका कागज़ जो है ना सीट का वो उतार ही दे, वैसे भी उतारना ही था, मेरा असल में इरादा था कि इस पर पहले कवर चढ़ाऊं जिस तरह मुदस्सर भाई ने चढ़ाया हुआ है ना, तो खैर चलें अब वो सियालकोट से चढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो लें जी बड़ी ज़बरदस्त सीट निकली है नीचे से, तो बाइक जो है वो धुल गई है, भाई जो है वो इसके ऊपर कपड़ा फेर रहे हैं इसको खुश करने के लिए, ये वाली बाइक सब देखें कितनी खूबसूरत अब लग रही है। लें जी ये है मंडी यजमान, और यहाँ पे हमें कोई भी होटल जो है वो नहीं मिलेगा ठहरने के लिए, इसलिए हमें जाना होगा बहावलपुर, और यहाँ से बहावलपुर तकरीबन 30 किलोमीटर है, तो अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, अब हम जाएंगे बहावलपुर। अल्हम्दुलिल्लाह रोड क्या कमाल का रोड है, पता भी नहीं चला, तो तकरीबन 10 किलोमीटर हम कर चुके हैं पिछले 10 मिनट के अंदर अंदर, और अभी स्पीड भी उतनी ज़्यादा हमारी नहीं है, तो ठीक है। एक दिल में यह भी ख्वाहिश, मतलब ये भी एक कह सकते हैं कि दिल में बात आती है कि काश हमारी तरफ भी ऐसे ही रोड होते। ये देख लें जी 21 किलोमीटर है यहाँ से बहावलपुर, और तकरीबन ऐसा ही रोड है बहावलपुर के अंदर भी, माशाल्लाह अच्छे रोड हैं। ओए होए होए इधर भी सरसों रोड बड़ा कमाल का, और सेंटर में पौधे लगे हुए हैं, इधर जो गंदम जो है व्यू दे रही है इस वक्त, गोल्डन आवर चल रहा है, सुबहान अल्लाह। आज वैसे हमारा सफ़र उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने टाइम ज़्यादा लगाया क्योंकि हम बहुत स्लो आए हैं, कल जल्दी हमने की थी ना, तो कल उस वजह से फिर हम बिछड़ गए थे जैन भाई से, तो हमें 80 किलोमीटर ज़्यादा पड़ गया था, इसलिए आज हम थोड़े स्लो ही आए हैं, लेकिन ये रोड जो है ना इसने मतलब पूरा सुकून दिया, पूरा स्वाद दिया बाइक चलाने में। इस वक्त हम हैं बहावलपुर में, और माशाल्लाह अभी खाने का टाइम हुआ चाहता है, ये है मीठे चावल और ये है बिरयानी, माशाल्लाह जो हमने फोटाबाद से कल बिरयानी खाई थी ना वो तो बहुत ही मज़े की थी, बड़ी स्पाइसी थी। अभी ये चेक करते हैं कि बहावलपुर की बिरयानी जो है वो कैसी है। ये हमने फूड पांडा से मंगवाई है, माशाल्लाह जबरदस्त।